Assalamualaikum everyone, this is Ali from MassTech. मैं लाया हूं आज आपके लिए Vivo V9 का रिव्यू। जी हां दोस्तों, ये मेरे चैनल पर पहला रिव्यू होगा क्योंकि मुझे रिसेंटली अभी कुछ कम ही टाइम हुआ है चैनल को स्टार्ट किए हुए। बड़ी डिमांड थी Vivo V9 के रिव्यू की, तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूं Vivo V9 का रिव्यू। आज के इस रिव्यू में हम बात करेंगे इसके आउटडोर इनडोर कैमरा शॉट्स की और इसके बैटरी टेस्ट की बात करेंगे कि इसका बैटरी मुझे दो दिन में क्या उसने रिव्यू मतलब क्या टाइम दिया क्या नहीं दिया। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मेरे रिव्यूज और मेरे ओपिनियंस और मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल सके। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्विक स्पेसिफिकेशन से। इसके अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा 19:9 की रेशो का आईफोन एक्स की तरह नॉच देखने को मिलेगी और डिस्प्ले जो सपोर्ट करता है वो 400 ppi को करता है जिसमें आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है 1080x2280 की। 19:9 पहला फोन ही ऐसा होगा वीवो को जो डिस्प्ले बड़ा डिस्प्ले लेके आया मार्केट में। बैक साइड की बात करेंगे तो बैक साइड पर आपको मिलता है ग्लॉसी बैक देखने को, काफ़ी शेडेड है, आपको अपनी ही कई बार इमेजेस नजर आ रही थी। और एक इसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि स्क्रैचेस बहुत जल्दी फील हो जाएंगे क्योंकि प्लास्टिक बैक है, ये 5D कर्व्ड ग्लास नहीं है। रियर साइड पर आपको फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिलेगा और आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का और प्लस 5 मेगापिक्सल डेप्थ फैक्ट के साथ एक वर्टिकल कैमरा, साथ ही LED लाइट मिलेगी। इसके अंदर आपको चार्जिंग देखने को मिलेगी 2.0 की जो कि फास्ट चार्जिंग नहीं सपोर्ट करेगा और बैटरी आपको देखने को मिलती है 3280 mAh की। ऑल ओवर बात करें डिवाइस की तो डिवाइस काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। अब बात करते हैं कैमरे की तो फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 24 मेगापिक्सल का विद AR आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देता है, आप बहुत सारे इमेजेस लगा सकते हैं इसके साथ अपनी पिक्चर्स पर लाइव कैच के। कैमरा रिजल्ट की बात करेंगे तो सेल्फी आपको बहुत बेहतर कैप्चर करके देता है ये। रियर की बात करेंगे तो रियर पर आपको अभी आउटडोर लाइट भी लेके जाएंगे इस वीडियो में, आपको देखना इस वीडियो को एंड तक है ताकि आपको टोटली क्लियर हो जाए कि आपको V9 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब आप ऑल ओवर रोम की बात करेंगे तो रोम आपको इसमें मिलता है 64 GB का, रैम मिलता है 4 GB का और प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 606 का जो 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा। इसमें GPU मिलेगा एड्रीनो 505 का। यहाँ दोस्तों स्पेक्स मैं आपको पहले भी अपने चैनल पर बता चुका हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ क्विक स्पेक्स बनाई हैं इसमें आपको ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब आपको लेके चलेंगे आउटडोर लाइट में, आउटडोर लाइट में इसके हम आपको वीडियोस बना के दिखाएंगे और आपको इमेजेस कैप्चर करके देंगे। मेरे साथ रहिएगा, अगर ये मेरी वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो हम डे लाइट में V9 के फ्रंट कैमरा से ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p पर और आप देखेंगे कि आपको कलर्स काफ़ी ब्राइटर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा सन की तरफ आऊँगा तो आपको सनलाइट जो है वो जब मेरे चेहरे पे पड़ती है तो आपको कलर काफ़ी क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही मेरे पीछे जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपको ये नज़र आ रहे होंगे रेड कलर के हैं फूल, आप अगर देखें तो थोड़ा सा इसमें कलर्स का आपको डल फील हो रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक कैमरा। वीडियो बना रहे हैं हम 1080p पर Vivo V9 से, V9 के साथ आपको वीडियो रियर कैमरा में दिखा रहे हैं, 1080p पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, काफ़ी कलर क्लियर हैं वीवो के पिछले मॉडल से। अब ये देखेंगे कि ये फोकस कितनी जल्दी कर लेता है। कलर्स की बात करें तो कलर्स आपको काफ़ी शार्पर नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वीवो V7 Plus। बड़ा इम्प्रूवमेंट किया है वीवो ने इस कैमरा में इस दफ़ा। और अब आपको थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा दे तो आपको बैक साइड से थोड़ा सा तेज़ चल के दिखाएंगे इसमें आपको स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है। आप देखेंगे फील करेंगे स्टेबलाइजेशन आपको इतनी प्रॉपर मिल नहीं रही जितनी कि होनी चाहिए, लेकिन वो भी आपके डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस स्टांस में चल रहे हैं। तो ये थी बैक साइड की रियर कैमरा की वीडियो। अब आपको इसकी आउटडोर लाइट्स की जो पिक्चर्स हमने कैप्चर की हुई हम उसकी तरफ लेके चलेंगे। यह दोस्तों रियर साइड के कैमरा से पिक्चर कैप्चर की गई है नॉर्मल मोड में। आप देखेंगे आप इसके अंदर आपको कलर्स बड़े ब्राइट नज़र आ रहे हैं, रेड भी आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है और वाइट भी। अब इसी चीज़ को लेके चलेंगे बोके इफेक्ट पे, ये पोर्ट्रेट मोड से पिक्चर ली गई है लेकिन ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है वीवो V9 को, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो बहुत बैलेंस पिक्चर आई है। अब बात करते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट की, सिंगल ऑब्जेक्ट में भी इसने बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट दिया डे लाइट में, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है आप देखेंगे येलो के दरमियान में जो रोज़ का सेंटर पार्ट है वो है ब्लैक कलर का, लेकिन इसके अंदर आपको ब्राइटनेस की वजह से इशू आ रहा है कि इसके अंदर आपको कलर जो है वो डल नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं बैक साइड से एक और पिक्चर ली गई थी, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रेड कलर में आ रहा है, ये दूर से ली गई पिक्चर है रियर कैमरे से। आप देखेंगे तो मेरे बालों में भी आपको बड़ा नॉइस नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर में, स्पेशली मेरी जो दाढ़ी के बाल हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉइस नज़र आ रहा होगा।
अब एक सेल्फी की बात करते हैं तो सेल्फी तो ऑब्वियसली इन फोन्स में बहुत अच्छी आती है, 24 मेगापिक्सल का है, लेकिन बहुत सारा नॉइस नजर आया। अब आपको नाइट मोड में लेके चलते हैं नाइट मोड की वीडियो की तरफ। या दोस्तों, अब हम वीवो V9 से फ्रंट कैमरा से 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लाइट्स जब आती हैं तो काफ़ी क्लियर हो जाता है, लेकिन जब हम लो लाइट में जाते हैं, जैसा कि अभी आपने भी पीछे देखा कि ये देखिए अभी मैं लो लाइट में आ गया हूँ, तो काफ़ी कलर डल हो जाते हैं। फ्रंट पे फ्लैश लाइट नहीं है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा से नाइट मोड में नहीं मिलेगी। जैसे आप लाइट में जाते हैं तो आपको काफ़ी कलर ब्राइट हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलेंगे रियर साइड के कैमरा से। ये 4K के ऊपर रिकॉर्डिंग की जा रही है बैक रियर कैमरे से वीवो V9 की। आप देखेंगे आपको स्ट्रांस बहुत अच्छा मिल रहा है। अब आपको थोड़ा बहुत चल के दिखाएंगे इसमें स्टेबलाइजेशन आपको क्या मिलती है, कैसी मिलती है। फोकसिंग बेहतर है, लेकिन नाइट मोड है, फ्लैश के साथ लाइट बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं। अब आप देखेंगे कि फोकस बहुत जल्दी करता है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट के बहुत करीब जाते हैं तो आपको नाइट मोड में फोकसिंग अच्छी मिलती है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो बैलेंस कैमरा है नाइट मोड में। अब बात करेंगे इसके कैमरा की पिक्चर्स की। ये सेल्फी कैमरे से एक पिक्चर ली गई है, आप देखेंगे बहुत अच्छा रेजोल्यूशन इसने शो किया। हालांकि इसमें फ्रंट लाइट में फ्रंट फ्लैश लाइट नहीं है, लेकिन डिस्प्ले की लाइट फ्लैश के लिए इस्तेमाल होती है, बहुत अच्छी कैप्चर की। अब आप बात करेंगे इसकी दूसरी पिक्चर की, तो ये आउटडोर लाइट्स में ली गई है। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट बड़े प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, हालांकि लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छी सेल्फी पिक्चर दे रहा है। अब बात करेंगे इसके हम अगली पिक्चर की, तो इसके अंदर आपको थोड़े से कलर डाल नजर आएंगे, क्योंकि लाइट लो था, बिल्कुल अंधेरा था इसमें, लेकिन फिर भी बैकलाइट से इसने बहुत अच्छा प्रोमिनेंट किया, लेकिन कलर अप्रोच बिल्कुल ही डाल नजर आई वीवो V9 के रियर कैमरा से। अब दूसरी पिक्चर की बात करेंगे तो इसके अंदर भी आप देखेंगे जो शर्ट है उसका कलर बिल्कुल डल कर दिया और लाइट्स ने इतना फोकस नहीं कर पाई। सो दोस्तों, आज था ये हमारा एक कैमरे का रिव्यू। दिस इज इट गाइस, ये था वीवो V9 का रिव्यू। हमने आपको बताया गया वीवो V9 में आपको कैमरा क्वालिटी डे लाइट लो लाइट में क्या मिलने वाली है, आपको बैटरी की चार्जिंग कैसे मिलने वाली है, क्विक स्पेसिफिकेशन का एक आपको हमने बताया कि पहले भी बता चुके हैं अपने चैनल पर कि इसके अंदर स्पेसिफिकेशन आपको क्या क्या मिलती है। मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आपको V9 कौन सी स्पेक्स में बेहतर लगा, कौन सी में नहीं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं अली अब्बास, मास्टेक से अल्लाह हाफिज़।